आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं मुंशी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। नमस्कार, मैं अंजलि आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव व धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के निर्देश अनुसार झरिया के अंचल कार्यालय में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, म्यूटेशन जैसे समस्या को लेकर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इम्तियाज अली के नेतृत्व में सुविधा शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रतिनिधि शमशेर आलम और प्रवेक्षक गंगा बाल्मीकि उपस्थित थे। सुविधा शिविर में दर्जनों लोगों ने आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। लगभग दो साल से किन्हीं का विधवा पेंशन नहीं आई तो किसी की वृद्धा पेंशन नहीं आई, सभी ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कांग्रेस ये शिविर अब 29 अक्टूबर 2020 को लगाएगी और कार्यों का निष्पादन करने के लिए अंचल अधिकारी त्वरित कार्रवाई की मांग करेगी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली, झरिया नगर अध्यक्ष अशोक बरनवाल, अमन साव, मुकेश पाठक, निशार अहमद, इम्तियाज आलम, गणेश उपस्थित थे। झरिया से मनोज साह की रिपोर्ट। झरिया अंचल में बैठे हैं, यहाँ पे जमीन भूमि का जो भी कागजात है, जैसे म्यूटेशन हो गया, रसीद हो गया, इसमें अविलंब बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है। पेंशन का जो काम है वो रुका हुआ है। दो दो साल, ढाई ढाई साल से लोग आ रहे हैं और आंचल का जो है चक्कर लगा के वापस जा रहे हैं और इन लोगों को डेली बोल दिया जाता है कि बाद में आइए, बाद में आइए। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बैठे हैं। आज सीओ साहब से ये लिखित भी देंगे और उनसे बात भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये जमीन का म्यूटेशन रसीद का काम करें और जल्द से जल्द म्यूटेशन करके लोगों को दें और रसीद दें और लोगों का जो इतने परेशान हो रहे हैं, इन लोगों का पेंशन, वृद्धा पेंशन हो गया, उसके बाद विधवा पेंशन हो गया, इन लोगों का जल्द से जल्द जारी करें और इन लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को उस चीज़ से जो उनके हकदार है उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए। देखिए, इन समस्या ये समस्या केवल झरिया अंचल की नहीं, ये समस्या पूरे झारखंड प्रदेश की है। लगातार तानाशाह रही है झारखंड की सरकार, 14 वर्षों की सरकार, और आप लोगों ने देख रहा है कि ये हमारी बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ की जनता त्रहमाम त्रहमाम कर रही है यहाँ के अंचल अधिकारी से। आज प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने ये शिविर लगाया है और विलम्ब जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितने भी तरह के यहाँ पे जो ज़रूरतमंद हैं, यहाँ तो होती है दलालों वाली काम होती है। दलाल चारों तरफ से इस अंचल कार्यालय को घेरे हुए हैं और मैं खुल के कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार इन लोगों को प्रश्रय दे रही है और इसी कारण हम लोगों ने जमीन पे उतरकर और मेन मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया है। आज ये शिविर लगाया है प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में और जितनी तरह की समस्या आएंगी और जितने प्रत्यक्षदर्शी हमारे पास आएंगे, इन लोगों का सारे का काम अविलंब 29 तारीख को जो हम लोगों का दूसरा शिविर लगेगा उस पर किसी भी प्रकार से इस कार्य का निष्पादन किया जाएगा।